इनोवेटिव इंटरनेशनल मैनेजमेंट टीम के तहत ये फ़ैसला लिया गया है कि हम जो कोविड से मुतासिर हुए वालिदैन को वालिदैन जो हैं उनके 50 बच्चों को हम फ्री एडमिशन लेंगे इनोवेटिव इंटरनेशनल स्कूल में। वो जो स्कूल ये जो है LKG से 10th तक बच्चों को हम एडमिशन लेंगे। मान लीजिए कोई स्कूल वाले दूसरे स्कूल से भी आना अगर चाह रहा है बच्चा तो उसको भी हम एडमिशन लेंगे। ये सारे चीज़ें मुफ्त रहेंगे, कोई हिडन चार्जेस नहीं रहेगा। ये नहीं कि आज फ्री एडमिशन बोल के मंथली फीस दे बोलेंगे वो बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। और इन बच्चों को हम पूरे 10th तक उनको लेके जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोविड मुतासिर इस साल हुआ है, अगले साल उन वालिदैन का जो है हम फीस दे बोल के नहीं मांगेंगे। पूरे ये बच्चों को 10th तक हम इनको लेके जाएंगे। ये हमारा मैनेजमेंट का एक डिसीजन है। मैं ज़मीर अहमद, प्रेसिडेंट इनोवेटिव इंटरनेशनल स्कूल हूँ। ये हम लोग मिलकर फैसला करे हैं, ये हम फैसिलिटी देंगे। सर, इसमें अदर कैस्ट के बच्चों के लिए भी क्या रखना है? ये स्कूल जो है इनोवेटिव इंटरनेशनल स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल है। यहाँ पर कोई कास्ट रिलीजन कोई हम डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे। कोई भी कास्ट का बच्चा हो, कोई भी रिलीजन का बच्चा हो, हम सबको एडमिशन लेते हैं। हम किसी को हम ये नहीं करेंगे, डिस्पैरिटी नहीं करेंगे, डिस्प्यूट नहीं रहेगा। हम हर रिलीजन के बच्चों को एडमिशन लेंगे। सर, बच्चों के लिए क्या बुक्स खरीदना पड़ेगा क्या? हाँ, बच्चों के लिए इसमें एक चीज़ रहेगी कि टेक्स्ट बुक्स की कीमत अदा करना पड़ेगा, बाकी का उनका उसके अलावा किसी चीज़ का भी फीस नहीं, इंक्लूडिंग एग्ज़ाम फीस भी हम नहीं लेंगे। जब बीच में बच्चों को जो मंथली फीस है टोटली आप मतलब जो LKG से 10th तक आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे एक्सेप्ट बुक्स वगैरह? यस, हम कोई फीस नहीं लेंगे। ट्यूशन फीस बोल के, एडिशनल डेवलपमेंट फीस बोल के, स्मार्ट क्लास फी बोल के, ऑनलाइन फीस बोल के, स्पोर्ट्स फी, लाइब्रेरी फी, कोई फी नहीं रहेगा। सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक के अलावा कोई आपको पे करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बच्चों, अनाउंसमेंट इनोवेटिव इंटरनेशनल स्कूल के तरफ से किया गया है, लेकिन इसके लिए सबसे अहम रोल रहेगा गुलबर्गा NGO फेडरेशन का। गुलबर्गा NGO फेडरेशन के पास आप सब आप जाके आप अपने फॉर्म और जो भी रिक्वायरमेंट होगा डेथ सर्टिफिकेट, NGO फेडरेशन वाले इसको कोऑर्डिनेट करेंगे। ये लोग सब कलेक्ट करेंगे और इसका आखिरी डेट होगा 15 जून। 15 जून तक जो है आप यहाँ पे NGO गुलबर्गा NGO फेडरेशन से आप राबता कर सकते हैं। जो भी उसके ज़िम्मेदार हैं, जिस सिटी के कोई भी कोने में हो, गुलबर्गा NGO फेडरेशन की टीम और इनोवेटिव इंटरनेशनल स्कूल मिलके इसको काम अंजाम देगा, क्योंकि उन लोगों का बहुत बड़ा रोल रहेगा। क्योंकि वो जो है कोविड में जिसकी डेथ हुई है वो आइडेंटिफाई करेंगे और वो टीम जो है हमको दाखिले के फॉर्म्स वगैरह हमको देंगे। दरमियान में बीच में क्या है, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, ऐसे ऐसे बच्चों के लिए भी मौका रहेगा? हाँ, हमारे पास क्या LKG उसी से शुरू होने? नहीं, हमारे पास जो है LKG UKG से लेके 10th तक दरमियान के बच्चे भी अगर आना चाह रहे हैं, वो किसी स्कूल में फ़ी नहीं पे कर पा रहे हैं, वो बच्चों को भी हम हमारे स्कूल में एडमिशन लेंगे। सर, कुछ घर में दो बच्चे तीन बच्चे भी रहते हैं तो क्या वो दोनों बच्चों के लिए भी सहूलत रहेगी? हाँ, देखिए, अब हमारा जो है टोटल 50 बच्चों का टारगेट है। अब इससे ज़्यादा एप्लीकेशन आएंगे तो उसका एक हमारे रियाज भाई जो है एक सिस्टम बना रहे हैं। ज़मीर सर, हमारे इंडियन इंटरनेशनल गुलबर्गा के जो मैनेजिंग डायरेक्टर ने बताया और रहीम साहब ने भी बताया, यहाँ पर एक जो है जितने भी गुलबर्गा NGO फेडरेशन का काम देखते हुए ज़मीर साहब ने हम लोग को अप्रोच किया, ज़मीर सर ने, तो उन्होंने कहा कि जो भी कोविड में जिसके भी गरीब हो या अमीर हो, कोई भी मतलब इरेस्पेक्टिव कास्ट एंड रिलीजन, जिसके पेरेंट्स का डेथ हुआ हो, जो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, उनके बच्चों की स्कूल की फ़ीस देना नहीं हो रहा है, तो उन्होंने डिसीजन लिया है कि
जो बच्चे एलकेजी से लेकर 10th तक वो अपने स्कूल में 50 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन देंगे विदाउट डोनेशन, विदाउट मंथली फीस और विदाउट एनी बिल्डिंग फंड एनीथिंग। ये इसके अलावा भी जो बच्चे हैं जिसके ऑलरेडी स्कूल्स में हैं वो भी फीस देने में उनको तकलीफ हो रही है, तो वो भी वैसे बच्चों को भी वो हैं अपने अपने स्कूल में ये लोग सर जो है एडमिशन देंगे। तो और जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जिस जहाँ पर आपको सबमिट करना है आपके जो रिक्विजिट फॉर्म, जैसे कि जिसके भी फादर का जो डेथ हुई है उनकी डेथ सर्टिफिकेट के साथ या हॉस्पिटल की डेथ सर्टिफिकेट के साथ और एक एप्लीकेशन हम लोग को अप्रोच करें। हम डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स और नाम दिए जाएंगे, आप हमको अप्रोच करें और कुछ जो है मामूली डॉक्यूमेंटेशन वर्क रहेगा, सिर्फ एक डेथ सर्टिफिकेट रहेगी ब्रेड विनर की और एक फॉर्म दिया जाएगा हमसे कॉन्टैक्ट करने के बाद, वो फॉर्म हमको सबमिट करेंगे। तो जैसे रहीम भाई ने बताया 50 से ज़्यादा अगर एप्लीकेशन आते हैं तो एक जो है ड्रॉ टाइप हम लोग को ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करने के बाद जितने 50 बच्चों का सिलेक्शन होगा वो बच्चों को हम लोग जमीर सर जो है अपने स्कूल में एडमिशन देंगे। आज जैसे कि इनोवेटिक इंटरनेशनल स्कूल गुलबर्गा जिन्होंने ये कदम उठाया है, मैं गुलबर्गे के तमाम स्कूल्स के ओनर तमाम एजुकेशन इदारों से अदबन अदबन गुजारिश करता हूँ कि पेंडेमिक के अंदर जितने भी लोग मुतासिर हुए हैं, जिनके घर में कमाई करने वालों की मौत हुई है, उन बच्चों को अपने स्कूल में इंडियन इनोवेटिक इंटरनेशनल स्कूल से सीख लेते हुए आप लोग भी अपने स्कूल्स में 10 बच्चे, 20 बच्चे, 50 बच्चे जितने आप कर सकते हैं उतने तमाम बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएं अपने स्कूल में, क्योंकि जब वो बच्चे पढ़ेंगे तभी तमाम कौम आगे बढ़ेंगी। तो इनसे सीख लेते हो, मैं तमाम आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप गुलबर्गा एनजीओ फेडरेशन से आकर मिलें, जिम्मेदारों से मिलें और अपने स्कूल में जितने भी बच्चे आप फ्री पढ़ा सकते हैं चाहे कोई भी कास्ट के हो सबको पढ़ाएं। गुलबर्गा एनजीओ फेडरेशन के जानिब से मैं इनोवेटिव इंटरनेशनल के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जनाब जमीर अहमद साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो कोविड से मुतासिर जो पेरेंट्स हैं, जो ब्रेड विनर है, जो फैमिली अफेक्टेड भी है, उनको सपोर्ट करने के लिए जो इकदाम इन्होंने पेशकश किए हैं उसका बहुत ही सराहनीय है, उनको बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो 50 बच्चे जो एडमिशन के लिए जो आएंगे एकेडमिक ईयर 21-22 में, 15 जून इसका लास्ट डेट है, जो भी पेरेंट्स है या जो भी बच्चे के जो गार्डियंस हैं ये लोग गुलबर्गा एनजीओ फेडरेशन के जो भी नंबर्स अब पब्लिक डोमेन में सभी के पास है, चाहे वो ऑक्सीजन टीम है, चाहे वो बेड अवेलेबिलिटी टीम है, चाहे फूड अवेलेबिलिटी टीम है, ये 9-10 जो टीम बने हैं एनजीओ फेडरेशन के गुलबर्गा में तकरीबन लोगों के पास ये नंबर्स हैं। किसी एक को भी फ़ोन कर आप अपने डिटेल्स देंगे तो हम हमारे रजिस्टर में नाम लिखेंगे। ये नाम लिखने के बाद फिर हमारी जो टीम है तहकीकात करेगी कि बैकग्राउंड चेकअप करेगी कि इसका ऑथेंटिसिटी कितनी है, उसके बाद इनको एक डिसीजन लेकर अगर 50 से ज़ायद एप्लीकेशन होंगे तो हम लोग उसको लकी ड्रॉ के ज़रिए से जो 50 जो चुने जाते हैं उनका एडमिशन जमीर साहब की जो इनोवेटिव इंटरनेशनल स्कूल है उसके ज़रिए से कराया जाएगा। कलबुर्गी नगर प्रतिष्ठित इनोवेटिव इंटरनेशनल शाले ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ 2021-22 ರಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಕೆಜಿಯಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೋವಿಡ್-19 ತಗುಲಿ ಹುತಾತ್ಮರಾದ ಪರಿವಾರದ 50 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫ್ರೀ ಅಡ್ಮಿಷನ್, ಇದು ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಪೋಷಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಈ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಎನ್ಜಿಒ ಫೆಡರೇಷನ್ ಸಹಯೋಗದಿಂದ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಉಚಿತ ದಾಖಲಾತಿ ಫ್ರೀ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಎನ್ಜಿಒ ಫೆಡರೇಷನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಹಯೋಗದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಎನ್ಜಿಒ ಫೆಡರೇಷನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ರಿಯಾಜ್ ಖತೀಬ್, ಸಿರಾಜ್ ಶಾಬ್ದಿ, ಅಜೀಂ ಶೇಖ್, ಅಜ್ಹರ್ ಮುಬಾರಕ್, ಮಾಜಿದ್ ಕಲ್ಯಾಣಿ.